वही धमतरी जिले के नगरीय निकायों में वार्डों का परिसीमन होने के बाद अब सवाल उठना शुरू हो गया है। साथ ही परिसीमन को लेकर वार्डवासियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही मामला नगर पंचायत आमदी का सामने आया है, जहां के निवासियों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव में अधिकारियों ने दफ्तर में बैठकर ही वार्डों का परिसीमन कर दिया है। वही नगर पंचायत आमदी के निवासियों का कहना है कि उनके वार्ड के कुछ हिस्सों को काटकर दूसरे वार्ड में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में वार्ड बदलने से उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम वार्ड के परिसीमनों के समस्या को लेकर आए हैं, क्योंकि वार्ड क्रमांक 2 नियम विरुद्ध काटा गया है। घर से लगा हुए वार्ड को 3 नंबर में जोड़ा गया, लेफ्ट साइड भी वार्ड नंबर 2 है, राइट साइड भी 2 नंबर है। ना बीच को काटा गया, ना कि वो क्रॉसिंग लाइन है, ना कुछ है। 70 सरकार के दबाव में अधिकारियों द्वारा मिली भगत से उस वार्ड को काटा गया है। इससे मतदाताओं की संख्या ऑलरेडी कम है, 401 और वार्ड नंबर 3 जिसमें जोड़े हैं 497, जबकि औसतन 66 तो है पूरे नगर पंचायत आमदी के, तो औसतन 440 आना चाहिए औसतन। तीन वार्ड हम जोड़ दे हैं, हमारे मन के 2 वार्ड है चले, तो हमन परेशानी, हमन बहुत परेशानी झेलना पड़ी वैसन में। और थोड़ा थोड़ा ये घुमा दे है गली घलों का, पीछे में भी आगे में नहीं है, सड़क तीर रहती तब ठीक रहती, लेकिन पीछे में हवन तिहर घुमा दे, हमारे बहुत परेशानी है। हमारे बच्चा मन पढ़त लिखत है, हर चीज़ में प्रॉब्लम हुई है, आधार कार्ड राशन कार्ड या कुछ भी है सबला सुधारना पड़ी, तो कौन कर ही, हमन गरीब आदमी है, वैसा नहीं चाहिए, हमला 2 वार्ड ही चाहिए। 2-3 वार्ड हम संख्या भी ज़्यादा है, फिर भी हमला जोड़ा थे, ये गलत है, जोड़ना हमन जोड़ना नहीं चाहते, हमला रहना चाहते हैं 2 वार्ड में। आंधी के जो गांव शहर वाले आए थे, उन्होंने कुछ वार्ड के परिसीमन को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है, आपत्ति का प्रावधान रहता है, तो आपत्ति दर्ज कर ली गई है और उस पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये हमेशा आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, प्रशासन की कार्रवाई और नियमानुसार ही होती है।